आयु जब 7 साल की थी तब उनके परिवार के कुल गुरु ने उन्हें मांग लिया। तब बाबा चंचल नाथ जी के माता पिता ने बाबा चंचल नाथ जी को अपने कुल गुरु के हवाले कर दी। अपने कलेजे के टुकड़े को भगवान को अर्पित कर दिया। धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ती गई और आस्था का लगाव और गहरा होता गया। योगी बाबा चंचल नाथ जी 15-16 साल तक बंगाल में रहे। वहीं से उन्होंने दीक्षा शिक्षा और माता रानी की साधना प्राप्त की। वे नाथ संप्रदाय से है। उन्होंने अपनी जिंदगी में सनातन धर्म अपना संदेश साझा करने के लिए बड़े बड़े शहरों के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की। यात्रा के दौरान वे हरियाणा पहुंचे, फिर यहीं के हो गए। यहाँ आने के बाद जाठन गरोड़ा गांव में माँ काली का मंदिर है। समाज के लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है बाबा चंचल नाथ जी से, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ख्वाहिशें ही सनातन काली माता की भक्त है। उनके आश्रम में माता काली का मंदिर है। वे इस मंदिर में भक्तों की हर एक समस्या का समाधान करते हैं, लेकिन उनसे मिलने का समय ये वार शनिवार है। भारी संख्या में भीड़ यहाँ इकट्ठा होती है उनके दर्शन के लिए। योगी बाबा चंचल नाथ जी के ऊपर माँ काली का आशीर्वाद है। माँ काली इस मंदिर में साक्षात रूप को पूर्ण करती है। मंदिर के अद्भुत चमत्कार, आखिर क्या कारण है इस मंदिर का कि भक्त यहाँ आने के बाद यहीं के हो जाते हैं, उनकी आस्था यहीं जुड़ जाती है। में मंदिर की मूर्ति में अद्भुत शक्तियाँ हैं, हर एक रहस्य को जानेंगे आज इस वीडियो में। योगी बाबा चंचल नाथ जी ने कहा, जब माता रानी के मंदिर की स्थापना की बात चल रही थी, जब मूर्ति के विषय में बात चल रही थी, तो एक सवाल मन में था कि माता की मूर्ति कहाँ से बनवाए, माता की मूर्ति में माता का स्वरूप कैसा होना चाहिए। ऐसे जो मूर्तिकार व कारखाने का मालिक है, उनका नाम मोहित शर्मा है। हमने उनको मूर्ति का ऑर्डर दिया, व्हाइट मार्बल की मूर्ति का। जो मूर्तिकार था, जब उसने मूर्ति दिन से मूर्ति बनाना शुरू की, उसी दिन से मूर्तिकार को सपने में यहाँ का आश्रम दिखाई देता। उसे मूर्ति बनाने में 25 दिन लगे और उन 25 दिनों में उसे रोज सपना आता और यहाँ का आश्रम दिखाई देता। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि वो मूर्तिकार इस आश्रम में पहले कभी नहीं आया। उसके साथ पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। वो खुद आश्चर्यचकित हो गया। जो मूर्तिकार ने माता रानी की मूर्ति लेकर आश्रम में आया, तब 10 लोगों ने मूर्ति को उतारने की कोशिश। महाराज जी, अभी तो इसकी प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं हुई। तो मैंने कहा, आस्था की बात है, मानो तो गंगा माँ, न मानो तो बहता पानी। तो मूर्तिकार और बाकी आदमियों ने मेरी बात, तो सिर्फ 4 आदमियों ने मूर्ति को उठा दिया और सारे मूर्तिकार वहीं माता की मूर्ति के आगे झुक गए। दूसरा चमत्कार।